ये पतले पापड़ चलती बस में चढ़ रहा है, हवा से उड़ जाता तो। कंडक्टर, लाइफ में थोड़ा रिस्क भी लेना चाहिए। इस घटिया काम के लिए मेरी बस मिली? कंडक्टर भड़कता काई को है, आज मेरा स्पेशल दिन है यार। तो क्या बंदर की तरह नाचूं? ये ले टिकट। कंडक्टर साहब टिकट दीजिए ना। हेलो भाईजान, टिकट मत लो आप। क्यों बे, सरकारी खाते में आए? वो क्या है ना कि आज का दिन खास है, तो आपुन सोच रहा है कि सबका टिकट आपुन खरीदेगा। भाई किस खुशी में? आज अपना झकास वाला बर्थडे है ना। इट्स ओके, पर मैंने तो खरीद लिया, इसे तुम रख लो और मुझे पैसे दे दो। ये हुई ना बात। थैंक यू। ओके थैंक यू। अरे दिल का हीरा है। चलो इस टिकट के साथ बाकी सब टिकट मेरे को दे दो। वाह 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 वाह, तेरे जैसे रोज आने लगे तो सरकार की खाली तिजोरियां भी भर जाएंगी। ये फोकट चंदो, इसने तुम्हारा 2-5 रुपया बचाया, तो इसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना बनता है। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सही फरमाया, आज आप उनका बर्थडे है ना, तो आप उन शहंशाह की तरह इस बस में ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन ये फोकटचंद घुस गए। देखो सर, टिकट वाला खड़े खड़े ट्रैवल कर रहा है और ये चिंदी चोर बैठे बैठे ट्रैवल कर रहे हैं। क्या बोल रहे, इन सबका टिकट कहाँ है? आप उनको क्या पूछ रहे हो? वैसे इन बिना टिकट वालों का क्या होगा? 1000 रुपए जुर्माना। अरे बाप रे। ओ, ओके। अगर फाइन नहीं दिया तो 5 साल हवालात में। ओहो, क्या बोले ये? जल्दी से अपना टिकट दिखाओ। कहाँ है टिकट? ए, सब अपना टिकट चेक कराओ। ए, एक मिनट। अरे क्या करें? वेट। अरे जेल हो जाएगी। 5 की टिकट का 100 रुपया, 10 की टिकट का 200, 5 की टिकट का 100 रुपया, 10 की टिकट का 200। ले लो, ले लो भाई, जल्दी जल्दी ले लो टिकट, ले लो, नहीं तो 1000 जुर्माना, ऊपर से 5 साल का जेल भी है। अबे 5 रुपए का टिकट देकर जेल में भेज रहा था। ज्यादा जबान मत चला, जब नेता लोग फ्री का लॉलीपॉप देते तब तो कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन जब वही काम मैं कर रहा हूँ तो तेरे को बहुत मिर्ची लग रही है। चल बच्चू, तेरे लिए डिस्काउंट, तेरे लिए 5 की टिकट का 500 रुपया, 5 का 100, 10 का 200, 5 का 100, 10 का 200, 5 का 100, 10 का 200। बोला वो तेरे लिए फ्री है, 5 का 100, 10 का 200, 5 का 100, 10 का 200, 5 का 100, 10 का 200। अरे तू तो स्टाफ है, चल जल्दी। अरे भाई लोग कोई रहे तो नहीं गया ना, रेट डबल हो जाए उससे पहले ले लो, अपन को जाने का टाइम कोटी मत करो। मालूम है ना, 1000 रुपया फाइन है और 5 साल का जेल भी। ये नौटंकी किस लिए थी? वो क्या है कि आप उनके एरिया में फंक्शन है ना, तो उसके लिए अपन चंदा जमा कर रहे हैं। एक नंबर का मामला ये, चलो दूसरी बस चेक करते हैं। मानना पड़ेगा, तू पहला इंसान है जो टिकट चेकर के सामने ही टिकट ब्लैक कर रहा है। धीरू ऐसे क्या देख रहा है, एकदम सही टाइम पे एंट्री मारी है, पोस्टर रेडी है। अच्छा एक बात बता, सारा काम सल्टा दिया ना? एकदम रापचेक बिरयानी मंगाया। तुषार कपूर क्या बोल रहे हैं बता जरा। भाई इस गोलमाल को लड़की का पोस्टर अपने हाथों से लगवाना, इसलिए छटपटा रहा है। पहला खूब राइट पहला दीवार ऊपर जाकर पोस्टर नहीं वोड़ा बनता है। बहुत बड़ा गंदा गाना है, और भी हसीन लग रही है। मैट्रिक फेल होने के बाद एकदम 56 झूरी लग रही है। फेल होके गली फूल बन गई रे। चल चल। 10वीं की परीक्षा में 3 बार फेल होकर अपने पूरे खानदान का नाक कटाने वाली चंपा कली। मेरे प्यारे मोहल्ले वालों, सुनो सुनो, हमारे पास के मोहल्ले की छोरी ने मैट्रिक में फेल होकर अपने बाप का
का नाम रोशन किया है और इसी खुशी में फाइव स्टार ग्रुप गर्मा गर्म बिरयानी बांट रही है। गर्मा गर्म बिरयानी खाने का अपना दिमाग गर्म नहीं करने का, ये सब मेरे घर के पे लाया है, समझा ना? दिमाग नहीं खराब करेगा ना? धीरू भाई बांटेंगे गर्मा गर्म बिरयानी। सबको खाना देकर तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, भले ही लड़की पास हो या फेल, लेकिन तुम तो सबका पेट भर रहे हो बेटा, बहुत अच्छे। ये देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ, जीते रहो बेटा। बेटा बिरयानी का बंदोबस्त कर दिया और पीने के लिए कुछ भी नहीं है? अरे चाचा कोशिश तो की थी लेकिन जेब में चवन्नी भी नहीं बची। अगले हफ्ते बाजू वाले मोहल्ले की मुन्नी बदनाम हो जाएगी ना, तभी मिलेगा ना। ठीक है ठीक है, जीते रहो। दूसरे मोहल्ले के गुंडे आए हैं। दोनों मोहल्लों की ये जंग काफी पुरानी है, ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जब चंपाकली के पोस्टर लगने की भनक दूसरे मोहल्ले वाले लड़कों को लगी तो वो बदला लेने पहुंच गए। इनकी दुश्मनी की कोई एंडिंग नहीं है। चंपाकली का पोस्टर लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ए तूने भी तो अपन के मोहल्ले की लड़की की बदनामी की थी, भूल गया क्या? उसी का बदला लेने के लिए धीरू भाई ने प्लान बनाया, बस की टिकट ब्लैक में बेच के। बचताओगे तुम लोग? तुम लोग अपन के मोहल्ले की लड़कियों को घूरते हो, लाइन मारो तो चलता है? आप बोले तेरे मोहल्ले की लड़की की तारीफ में पोस्टर ही तो लगाए। दोबारा हिम्मत मत करना। लगा दिया तो क्या तू आप उनको धमका रहा है क्या? उड़ रहा तू? उड़ रहा हूँ क्या कर गया? जोका तो सामान गायब। अरे देवा चलना। व्हाट्सएप किया देख ले। दया अगले महीने मेरी शादी है, मेरी हड्डियां मत तोड़ना। अगर मैं लूला लंगड़ा हो गया तो मैं शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगा। आपका प्यारा लल्लू लोटन। इनकी तो वाट लगाता हूँ। भाई ये ले क्वार्टर मार। ये भाई ये क्या है? मिक्सिंग बजा रे। हे जाके 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 हे जाके 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 हे जाके 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 Hey, क्या हो रहा है यहाँ पे? दंगा फसाद कर रहे हो? जेल में डाल दूंगा मैं बताता हूँ। पत्थर मारा? पत्थर कौन मारा? किसकी इतनी मजा लू यहाँ? कौन मारा बोल? अरे हटो यार। तुमने मारा क्या? नहीं भाई मैंने नहीं मारा, मगर मैं जानता हूँ कि ये हरकत किस बदमाश की है। यकीनन। कौन है वो? कसम से कह रहा हूँ मेरे पास तो उस बदमाश का एड्रेस भी है। ठीक है दो।
अबे ये कौन से एड्रेस पे लेके आया? एड्रेस बिल्कुल सही है। क्या भाई साहब, उस मवाली के बजाय अपना एड्रेस दे दिया? क्योंकि वो मेरा बेटा है। क्या कहा? कसम से वो मेरा बेटा है। बिना शोर शराबे के अंदर जाएंगे तो उसे पकड़ भी लेंगे, वरना वो भाग जाएगा। ए आजा। चिल्लाओ मत, वो भाग जाएगा। ए पकड़ उसको। अबे छोड़, दरवाजा खोल। ए कहाँ भाग रहे? रुक, क्या मेरे की तरह उछल रहा है? कहाँ है तू मेरी माँ? यहाँ पुलिस क्यों? माँ, मामा आ गए। माँ गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे बचाओ माँ, मुझे जेल में जाके वहाँ की रोटियाँ नहीं दूंगी। माँ मुझे जेल नहीं जाना, नहीं जाना चाहता हूँ जेल। माँ तेरी माँ, ले जाइए इसे पुलिस स्टेशन। चल एक मिनट सर। माँ अपने बच्चे लोग की रक्षा करती है, वो ऐसे पुलिस लोग के हाथ में नहीं सौंपती। अंकल इसको ले जाके हड्डी बस्ती तोड़ दो। अंकल देखो आपके सामने मार रहा है। जा जा चक्की पीस। चल मामू छोड़, चल ना मेरे साथ। ठीक करके आता है। अरे क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है इसे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ले जाइए इसे यहाँ से। खा खा के भैंसा हो गया। रोक, तेरी चर्बी उतारता हूँ मेंढक की औलाद, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। आप मुझ पे क्या चिल्ला रहे? क्या गुनाह कर दिया आप उनने? बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप उनके बापू को पता चला ना तो समझ लो तेरे बापू ने हमें यहाँ बुलाया, समझा? बापू इन्हें आपने बुलाया? माँ बाप होकर जो संस्कार हम तुम्हें नहीं दे पाए वो पुलिस देगी। 4 दिन जेल की हवा खाएगा तो अकड़ ठिकाने आ जाएगी। ले जाओ इसे। अगर आपके पिताजी ने आपके साथ ऐसा किया होता ना तो पता चलता। हाँ चल। देखो साहब धक्का मत दो। हाँ पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था कि ऐसा बेटा पैदा हुआ है। सब जाए। बोले आम लड़कियां छेड़ता है, दंगा फसाद भी करता है। तुझे तो मैं पुलिस तुम्हें की आप पता लगा के दिखाओ। क्या बोला? हमने पोस्टर छपवाया था, उसमें अपना नाम भी है, पढ़ना था तो पढ़। तू कौन है बे? लल्लू लोटन। लल्लू लोटन, तेरे लोटन में छेद कर दूंगा। लल्लू लोटन, लल्लू लोटन। इसका मुंह पैदा ही लोटे जैसा था इसलिए इसका नाम लल्लू लोटन रख दिया। क्या क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो ना सर, दिल का तो नहीं है बस फेंकता ज्यादा है। साले ने मुझे घोंसले पर मारा था पर अंडे फूटते फूटते बच गए। तेरा नाम क्या है? क्या बोला? गली दे रहे तुषार सर, गोलमाल वाला। गुड मॉर्निंग सर। अबे बाल की दुकान, तेरा नाम क्या? दादागिरी करता है। अरे जाने दो ना साहब। भी चढ़ी है, खाल उदेड़ के रख दूंगा। लड़के क्या फेल हुई? तुम लोगों ने उसके नाम का पोस्टर छाप दिया। ये पोस्टर छापने का प्लान किसका था? हा? क्या सर, कोई एमएलए या एमपी या पार्टी का आदमी आए तो शहर भर में पोस्टर चिपकाते हो, तो वो लड़की मैट्रिक फेल हुई तो उसका क्यों नहीं आ रहा है? आखिर वो अपने मोहल्ले की जान है। क्या? हमने सोचा लड़की फेल हो गई अब उससे शादी कौन करेगा, इसलिए उसकी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए उसके पोस्टर छपा दिया। और लड़की एकदम हसीन है सर। क्या बोला बे? क्यों सर, लड़की को बदनाम नहीं करते? क्यों नहीं करने का? क्योंकि वो पोस्टर वाली लड़की मेरी बेटी है। सॉरी सर, मेरी बेटी पे थोड़ा तो रहम खाओ। अबे छोटे तू स्कूल से आ गया? अरे कैदी तो जेल से आ गया, आते ही शुरू हो गए। बड़ों की इज्जत करना सीख। अरे तो पहले खुद की इज्जत करना तो सीख। इसको बोल ज्यादा जबान ना लड़ाए। चुप कर बेटा, डंडे खाकर कमर सीधी हुई कि नहीं? बहुत जबान चल रही है तेरी, पहले आराम कर लेता हूँ फिर तुझे। अबे जा। इसे जेल से किसने छुड़ाया? हमारी माताश्री ने। तुम इसे वापस लेकर आई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसे वापस लाई हो? हाँ तो और क्या करती, जेल में रहने देती? नाक कटवा दी इसने परिवार की, जानती हो कितने शर्म की बात है ये? आवारा गर्दी करता था, बार में बैठता था और अब हवा रात की हवा भी खा ली। इसी वास्ते आप उन्हें आना नहीं चाहता था, कहीं को छुड़ाया तूने? अच्छा होता अगर तू वहीं सरता। माँ समझा इनको ढंग से बात करने का, उनसे आपन की भी कोई इज्जत है। कौन सी इज्जत की बात कर रहा है तू? एक नौकरी तक तो ढूंढ नहीं पाया, जुबान लड़ाता है। अपन ये नौकरी वोकरी नहीं बिजनेस करने के लिए पैदा हुए। चुप हो जानो, क्यों बहस कर रहा है? होने से अंबानी नहीं बन जाएगा। क्यों नहीं बन सकता, बिजनेस के जरिए तो कोई भी अंबानी बन सकता है। मैं पूछ जरा दिया क्या इन्होंने? बिजनेस का बी भी मालूम है तुझे? उसके लिए एबीसीडी की जरूरत नहीं है। बोलने दे माँ, अपन भी रह जाके माफिक रियल एस्टेट बिजनेस करेगा। मैं सपने देखना बंद कर, मजाक नहीं है। एक आदमी के कहने पे मैंने 40 लाख रुपए देकर एक जमीन खरीदी थी। 6 महीने से उस जमीन को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज तक बेच नहीं पाया मैं उसे। बिजनेस करना कोई मजाक की बात नहीं है। अपन आपके माफिक धोखा नहीं खाने वाला है। ए माँ मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि कर्जा लेके मुझे पैसे दो। इधर मुंह बंद कर ले। मैं जो सेविंग रखी है उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के दे दो। मेहनत की कमाई है तो उससे तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। वो पैसा भी अगर मैं तुझे दे दूंगा तो तेरी माँ के साथ बुढ़ापे में क्या भीख मांगूंगा? आप भी ना, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जिंदगी लुटा देते, सिर्फ 1 लाख ही तो मांग रहा है, दे दीजिए ना, चुका देगा। इसे पाल पोस कर हमने घोड़े जैसा बना दिया है, अब मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसे। अगर आप नहीं दोगे तो अपन घर छोड़ के चला जाएगा, फिर बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा। तू अगर नहीं गया तो मैं तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। चला जाऊंगा। जा और एक बात सुन ले,
बाहर जाकर किसी को बताना मत कि तू मेरा बेटा है। वो तो अभी भी किसी को नहीं बताता। अरे वो जा रहा है, खाना भी नहीं खाया उसने। अरे अंधी हो गई है क्या, खा खा के सांड हो रहा है वो। पेट ठसा ठस भरा है उसका, थोबड़ा ही भुक्कड़ जैसा है उसका। हाँ बाबा, साथ साथ डोसा ढोसा है। मोटे मैच में फेल होता है और यहाँ पर मेरा डोसा गिनता है क्या? धीरू कैदी निकल। क्या हुआ धीरू, इतने मस्त मौसम में अपना मुंह क्यों लटका रखा है? क्या हुआ ये अपना तुषार भी इंग्लिश मांग रहा है। अरे तू तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बापू ने बिजनेस के लिए पैसा देने को मना कर दिया। अरे मेरा बाप तो मुझे बस के किराए के लिए भी पैसा नहीं देता, तेरा बाप तो फिर भी अच्छा है। ये बापू लोग अपने बच्चों पर भरोसा क्यों नहीं करते यार? यार ये जो बाप लोग होते हैं ना, अपने आप को गॉड फादर समझते हैं, पर ये होते हैं बैड फादर। हाँ सही बोला। हाय, मैं हूँ वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क का। नाइस टू मीट यू, हाथ दबाओ। क्या वो क्या है कि मैं खाली 2-3 दिन फोकट की पीता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो गले के साथ एक कश लगा लो। एक ही बॉक्स है, वैसे एक ही है तो जाने दीजिए। कोई सेठ आदमी है, लीजिए सर। थैंक यू, रुकावट के लिए खेद है, लगे रहिए। माँ ने बापू को बहुत समझाया लेकिन बापू मानने को ही तैयार नहीं है। ये बाप लोग ना हमारी माँ को अपने पैर की जूती समझते। सही जवाब। अरे हेलो, मेरा नाम वही है और कंपनी भी वही है। अभी बताया था ना सर, ऐतराज ना हो तो गला गिला कर लो। दे दे। बस। थैंक यू। क्या हुआ धीरू, लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं है, बोर हो रहा हूँ। लाइफ को हमसे बोर होना चाहिए भाई, हमें लाइफ से नहीं। ब्रेक बोला है? मैं थर्ड ब्रेक में आया हूँ और मैं वही हूँ। अबे 3 बार बता चुका है, अब क्या लिख के रखूँ? अगर ऐतराज ना तो एक पैक मिलेगा। थैंक यू। आप कैरी ऑन। कोई भूतनी का आप उनकी परवाह ही नहीं करता है। बापू पैसा नहीं देता है और बैंक है कि लोन ही रिजेक्ट कर देती है। सबर कर, ये बैंक वाले तेरा लोन कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? देखना, हम बैंक को लोन देंगे एक दिन। क्या कहता है भाई? हाँ। हम एक दिन टॉप पे होंगे। बिल्कुल टॉप पे होंगे। मैं भी अभी टॉप फ्लोर पे हूँ। यू नो आई एम वेणुगोपाल वर्किंग एट टाइटन पार्क। अगर आपको तीसरी बार ऐतराज न हो। नो, आई एम फुल। वैसे मैं बात बिल्कुल डायरेक्ट करता हूँ और क्या है कि मुझे चलने की आदत नहीं। बोलो, तुम्हारे लिए ऑटो बुला देते हैं। नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है, आप पैसे दे दीजिए, मैं लहराते हुए चले जाऊंगा। क्या बोला? यही कि मैं आपको भी छोड़ सकता हूँ। क्या चाहिए तेरे को? पैसा। हमको क्या उल्लू समझा तू? शक्ल से तो बिल्कुल लग गए हो। कब से कह रहा है आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क। जरा हमको इसका मतलब तो बता। मैं उधर ही लुढ़क के सोता हूँ। मतलब ये कोई कंपनी का नाम नहीं है? कोई कंपनी है ही नहीं। साला हमारी फुकट की दारू पी के मार साले को। बच्चू आज तो देरी लग गई। भूख लगी है, खाना देना। वहाँ गया काम से, पापा ऐसे माँ नजर आ रहे। जानता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या, तेल लेने, खाना देना। वहाँ आज तो ये पूरी रात मार खाएगा। मैंने तो उससे पूछा कि टाइम क्या हो रहा है। टाइम खराब चल रहा है, खाना देना। वहाँ क्या बोला? अरे पापा मैं आपको समझाता हूँ, ये टल्ली टाइम है। मतलब अब क्या हो गया? माँ भैया आज गले तक पौआ मार क्या है? इसे क्यों मार रहा है? सही तो कह रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। ये जब मेरी उम्र का हो जाएगा ना, लोफर ही बनेगा। तू इसकी फिक्र मत कर, तेरी उम्र में तो ये कलेक्टर बन जाएगा। चपरासी बोलो। तुझे कितनी बार मना किया अपने पापा से जबान मत लड़ाया कर, तुझे शराब पीने से मना किया था ना। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। पहले ढंग से खड़ा होना तो सीख जा। तेरा कुछ नहीं हो सकता धीरू, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुमने ही बिगाड़ के रखा है इसे, सारी जिंदगी आवारागर्दी करेगा। लेक्चर मत झाड़ो बापू, कभी मेरे बारे में कुछ सोचा है क्या? तूने सोचने के लिए कुछ छोड़ा है?
कब आखिर कब सुधरेगा तू? बापू ने पैसा नहीं दिया इसलिए टल्ली हुआ, जब टल्ली हुआ तो बाइक चोरी हो गया। क्या कहा? बाइक चोरी हो गई? बाइक चोरी हो गई? शाबाश मेरे लिए, बहुत बढ़िया काम किया इसने। अरे मैंने अपने सोने के कंगन बेचकर तेरे लिए बाइक खरीदी थी, झूठ बोल रहा है ना तू, कितना परेशान करेगा। बाइक चोरी नहीं हुई होगी, उसी को बेचकर दारू पी है इसने। अपन झूठ नहीं बोलता, बाइक चोरी हो गई है। झूठ पे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कसम से कह रहा हूँ जरूर इसने बाइक गिरवी रखी। कभी बोलते हो चोरी हो गई, कभी बोलते हो गिरवी रखी, मेरे को गाय को कंफ्यूज करते हो। अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है, पूरी जिंदगी किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की और तुम उससे ऊंची आवाज में बात करता है। निकल यहां से, चुप रहो, निकल यहां से। काय को जाएगा? काय को जाएगा फोन? क्योंकि ये मेरा घर है, निकल यहां से। अरे वापस लौटा तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखना। अच्छा होता मर जाता। बाप लोग मुझे हमेशा के लिए भूल जाए, मैं सुषमा के बगैर नहीं जी सकता। क्या भाई, तेरे को भी बाप ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं, मुझे किसी ने नहीं निकाला, मैं नहीं छोड़ दिया। काय को? मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। माना वो लड़की पढ़ी लिखी है, ज्यादा कमाती है, लेकिन शादी करने के लिए पहली नजर में प्यार होना भी तो जरूरी है। सच में होता है? बिल्कुल होता है बच्चा, मैं समझाता हूं। बताओ। जब दिल में मोहब्बत जागे तो आग लगनी चाहिए। आग? हाँ। आग लग गई बाबा जी। बधाई हो बेटा। अपुन की बाइक। वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क। अपुन धीरू भाई, कर लूं दुनिया मुट्ठी में। अच्छा वो आप मिल गए, मैं आप ही को ढूंढ रहा था ये बाइक लौटाने के लिए। चलिए चलिए बाइक का क्रियाकर्म करा दीजिए। पंडित जी कल जो हीरो होंडा लाई थी वो कहाँ है? उसकी तो बोली लग गई। बाइक को किसी की नजर। अच्छे से पूछा करो पंडित जी, खोई हुई बाइक मिल गई है? लगता है आज तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हें पहले कहीं देखा है? दो दिन पहले ही आई हूँ। तुम मेरे सपने में आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? उर्मिला। अच्छा नाम है। थैंक यू। मायसेल्फ एसके। क्या? शिव, शिव कुमार। ओह नाइस नेम। हाँ, तुम्हारे घर में और कौन है? देखो तुम्हारे पीछे कोई है। कहाँ? वहाँ। कैदी, सर्दी हो गई, भाप लेना है। भैया। भैया क्या नाम है उसका? उर्मिला। 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 अबे मेरे शिव भोले, तेरे को तो पढ़ाई करके कलेक्टर बनने का है, बाप का नाम रोशन करने का है, काई को ये उर्मिला के चक्कर में पड़ के बाप का नाम खराब कर रहा है तू? और हट, क्या इसमें? अरे बाप रे, लड़की पटाने के लिए तू अगरबत्ती से भाप लेने का दिखावा कर रहा है। रुक माँ को बताता हूँ। माँ, माँ, चलक चलक, माँ, अरे रुक तेरा भांडा फोड़ता हूँ, सबको बताता हूँ, रुक माँ। अपन हैंडसम लगता है कि नहीं छोटू, बोल। अरे बोलना। बंदर की बात तुम्हारा ही नंबर है। ठीक है। वैसे तुम मुझे बाइक पे काले जा रहे हो? वो क्या है ना छोटू, कल अपन को मंदिर में ना एक देवी मिल गई, तो उसके साथ अपन जचेगा कि नहीं ये जानने का था। तब तो उसके पास जादू होगा ना? अरे छोटे सिर्फ जादू नहीं, अखा करिश्मा थी वो। अच्छा। वो कचरे वाली आंटी की तरह दिखती है। अबे चश्मिश कंपैरिजन के लिए कचरे वाली मिली थी क्या तेरे को? तो क्या वो वैसी दिखती है? हाँ? अबे वो तो आंटी है यार। ठीक है मैं एक और ट्राई मारता हूँ। तेरा सारा ऑप्शन गलत हो रहा है। तो क्या वो येलो सनफ्लावर की तरह? अरे सामने देख, क्या कर रहा है भाई? छूट जाएगी, क्या हो गया? अबे छोटे वही तो है तेरी भाभी। क्या? अरे कहाँ लेके जा रहा है?
मेरा स्कूल तो उधर है। अबे अपन अखा लाइव स्कूल नहीं गया तो एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा? अरे फेल हो जाऊंगा। अबे चुप बैठना। अरे आज ही मेरा एग्जाम है। मारूंगा। सही बोल रहा हूँ। क्या पकाता है तू? ये कैदी मुझे ले। होशियार, एक आदमी बच्चे को अगवा करके भागा है, वो बाइक पर है। उसकी गाड़ी का नंबर है TSB 5969। ए रुक जा। अरे बाप रे, पुलिस भी की बड़ी है। अरे क्या कर रहे हैं? मुझे स्कूल जाना है, कलेक्टर बनना है। अरे तू चपरासी के लायक नहीं है, कलेक्टर कहाँ से बनेगा? हाय, अभी बगा मत यार, स्कूल ले चल। अरे अरे अरे, आज तो बेटा चक्की पीसी। बच्चे को किडनैप करता है? किडनैप और अपुन, ये अपुन का छोटा भाई है। ये तुम्हारा भाई है? झूठ बोल रहे हैं सर। तेरा और उर्मिला का भांडा फोड़ दूंगा घर में। ये उर्मिला कौन है? इसकी गर्लफ्रेंड है सर। छोटे बच्चे को बिगाड़ रहे? अरे अंकल वो सब छोड़ो ना, मुझे एग्जाम देना है, प्लीज जाने दो ना। सच में इसका एग्जाम है? हाँ सर, एक सनफ्लावर लड़की के चक्कर में मुझे यहाँ तक ले आया। वो भी चाहती है? अब तक तो नहीं चाहती सर। नहीं चाहती तो उसके पीछे भाग क्यों रहे? क्या हुआ? आपकी किसी चाहने वाली का फोन है। चाहे कैदी हो या पुलिस वाला, सबके सब सब अपन चलता है। चल चल चल, ट्रक जब वो आएगा उसे ले आना। ए ए आ जाओ, वे लो तू, यही है भाई को। तू पहले अंदर जाएगा साले, तू फिल्म देखने के बाद हमें बता पाएगा हमने क्या मिस किया? अबे इमोशनल सीन को तू कॉमेडी करके बताएगा? ए पुलिस, ये टिकट ब्लैक कर रही है। आए धीरू। सॉरी भाई, सॉरी भाई। पिक्चर चालू हो गया क्या? हां चल, शुरू होने वाली है। ए चलो जल्दी चलना। क्या हुआ धीरू? अबे लोटन, अपुन ने तेरे को जिस लड़की के बारे में बोला था ना, ये वही चे। और चम्बक छल्लो भाई, जाना क्या है? चल कोई बात नहीं, इसका थोबड़ा देख, फुल टू फिदा है तेरे ऊपर, शादी मनाना चाहता है। अरे अच्छा लड़का है, अभी फोकट है पर पॉकेट मार के तेरा खर्चा निकाल देगा। ए छमिया, अगर उसके साथ नहीं जा रहेगा तो अपन के साथ चल रहा, अपन फुल टूस खाली है, चलती क्या? इडियट, हाउ डेयर यू टच मी। अरे लैला तेरा ध्यान की तरह देख, तेरा मजनू की तरह जाके शादी मना, किस्मत बदल जाएगी। अरे छप्पन छुरी मार जा। अरे नखरे की गाड़ी मेरी बहन को छेड़ेगा तेरी तो जान दे दूंगा मैं तेरी। शादी करेगा मेरी बहन से? शादी करेगा तेरी इतनी हिम्मत? मेरी बहन से शादी करेगा? ओ कहा देखी आपने? और तू 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 हाथ बताएगा? क्या बोला? छोड़, क्या मतलब? जानता नहीं मेरे को। लोगों को तो बेटा तू तो उसे पीटना चाहिए। अबे एमएलए का बेटा है, इसका मतलब लाइसेंस मिल गया लड़कियों को छेड़ने का। चल निकल यहाँ से। ए गुरु नाम है मेरा और ये मेरी बहन है, अगर दोबारा किसी ने छेड़ा तो वहीं जमीन में गाड़ दूंगा। चलो हम तेरे दोस्त हैं यार, हम तेरे लिए जान भी दे सकते हैं। एक बात अच्छे से सुन ले, हम जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। हम सब मिलके उसके भाई का सामना करेंगे। पर भाई हमको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, वो आदमी है आयरन मैन, अकेले ही इतने लोगों को मार दिया, लड़की को भूल नहीं सकता। यार बात तो तू सही बोल रहा है, उसकी बहन को उन गुंडों ने छेड़ा तो उसके भाई ने उनको काला नीला कर दिया। अगर उसको ये पता चल गया कि अपन उसे लव करते हैं तो अपन का तो राम नाम सत्य। तेरे को पता था ना अपन ऐसा ही बोलेगा, अपन उसे सच में लव करता है। तेरी रेंज देख और उसकी रेंज देख, ए, प्यार में ये सब नहीं होता। ए जोया, कहाँ जाकर दो उल्ली है, उल्ली ने मैं भूल नहीं किया जाए। हाँ समझा क्या बोला? पांव उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, वरना सर्दियों में सिकुड़ के जम जाओगे। तुम लोग चाहे जो कुछ भी बोलो, अपन उससे ही लव करेगा। काय को इतना रिस्क ले रहा है? ओए अपन ने फैसला कर लिया। खयाली बुलाओ मत पका। तू चुप बैठ रहे? अरे मुमकिन ही नहीं है यार। हे हे, मुमकिन अपन बनाएगा, तुम लोग देखना, अपन उस लड़की से आई लव यू बुलवाएगा और तुम सबकी भाभी बना के दिखाएगा।
हाय हाय ये प्रिया आप उनकी लवर हाय प्रिया ये लोटन कुमार हाय कुमार ये अपना यमा नमस्ते ये अपना गोलमाल वाला तुषार हाय ना इसके लिए और ये अपना बद्रू हाय हाय यार ये धीरू तो बहुत चाणा निकला फिर उसने पटाया कैसे उसके भाई के पैरों पे गिड़गिड़ाया होगा आपों ने सुन लिया जो तुम लोग बोल रहे हैं यार तूने उसे कैसे पटा लिया मैं तुम लोग को डिटेल में बताता है कि आपों ने उसको कैसे पटा लिया ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं मैं बताती हूँ इस लुक्के ने इजहार कैसे किया इसने इजहार कब किया तो पटाया कैसे नमस्ते कौन है बेटू गुरु सर से मिलने का है क्या काम है उनकी बहन से प्यार करता है अपुन तो उसी बारे में डिस्कस करने का है अबे क्या बक रहा है तू अपुन प्रिया से प्यार करता है ना तो उसी के बारे में गुप्तागु करने के सुन लेंगे चुप बैठ हेलो अंदर भेज दो ठीक है मालिक लागू सर बैठ जाओ बाहर क्या बकवास कर रहे थे बकवास नहीं सर अपन सच बोल रहे हैं देखो आज मेरी सालगिरह है मुबारक हो सर इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो पॉइंट पे आओ अपना नाम धीरू है सर अपन इसी शहर में रहता है और अपन आपकी बहन को बहुत चाहता है सर हेलो अभी बहुत बिजी हूँ बाद में फोन करो क्या कहा बे सॉरी अरे हेलो अभी अपन बहुत बिजी है बाद में बात करते हैं सॉरी सर क्या प्रिया भी तुमसे प्यार करती है आपकी बहन का नाम प्रिया है सर अपन आपकी बहन से बहुत प्यार करता है लेकिन ये बात उसको नहीं पता है सर पागल आदमी हो क्या क्या सर मतलब लड़का लड़की पहले मिलते हैं आपस में गुफ्तगू करते हैं फिर अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं तो पहले ही चला आया वो तो पुराना स्टाइल था सर अपन कुछ हटके करना चाहता था क्या मतलब आप अपनी सिस्टर को अपुन के बारे में बताओगे है कि नहीं हाँ। फिर आपके सिस्टर अपुन से मिलने के लिए आपसे जिद करेगी तो अपुन को ये लगता है कि आपकी बहन के दिल में मेरे लिए लव पैदा हो जाएगा सर 100% गारंटी से बोलता है वाकई आप मेरे बारे में बता के तो देखो वो जरूर पूछेगी देखो आज का दिन बहुत ही शुभ है मेरी सालगिरह है इसलिए किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा अब मेरी आंख खुलने से पहले तू यहां से दफा हो जा चल जा यहां से अरे कमाकल उन्हें छू मत तू आपका फैसला तो बताइए ना ताकि शादी के लिए आगे की तारीख फिक्स करें अरे तुम मैं जान से मार दूंगा चल गोली मत चलाइए निकल यहां से चल चलाइए रुक जाइए तू जा यहां से अरे जा अरे चलता है कि नहीं चल जल्दी निकल यहां से चल चल मुड़ के मत आना यहां पे दबाओ ना कहीं का आज तक ऐसा घटिया इंसान नहीं देखा मालिक एक बात तो माननी पड़ेगी वो बंदूक देखकर भी नहीं डरा क्या मतलब है तुम्हारा आम तौर पर कोई भी बंदूक देख के डर जाता है मालिक लेकिन वो तो अपनी जगह से हिला ही नहीं वॉचमैन उस लड़के को ऊपर भेजो भेजो उसे ऊपर सर वो लड़का तो चला गया अभी अभी साइकिल पे गया है साइकिल पे आया था हेलो क्या हुआ भैया इतने हंस क्यों रहे कुछ नहीं बताइए ना अरे वो दरअसल एक सर फिर आया था कह रहा था कि तुम्हारा आशिक है मेरा आशिक वैसे कैसा दिख रहा था वो प्लीज बताइए ना भैया तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है कि नहीं सॉरी भैया नहीं नहीं आई एम सॉरी मैं बेवजह गुस्से में आ गया था ओके नाश्ता जी आपने आज छुट्टी ली हुई है क्या नाश्ता बना रहे हो भाई की लाडली है ना बहन की खातिरदारी से ही तो इनका हर दिन शुरू होता है बिल्कुल सही कहा तुमने कौन है ये हेलो कौन बोल रहा है मुझे इस नंबर से मिस कॉल आया था साले साहब पहचाना नहीं गया अपन बोल रहे वो मोबाइल में बैलेंस नहीं था ना इसलिए मिस कॉल मारा आपकी तारीफ क्या साले साहब भूल गए क्या अरे कल आया था ना आपकी सिस्टर के साथ लव मैटर का बात करने आया था तो कब भेजूं अपने मम्मी पापा को hey, फोन रख वरना तुझे गोली से उड़ा दूंगा समझा तू जानता नहीं मैं कौन हूँ मैं क्या कर सकता हूँ काट दिया इसका फोन था भैया अरे वही मवाली जो कह रहा था कि तुम्हारा आशिक है
वैसे मेरा नंबर कहाँ से मिला उसे? वो कह रहा था कि उसके पास कोई बिजनेस प्रपोजल है, इसलिए नंबर दे दिया। भैया कौन है ये लड़का? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी ना। ओ, हाँ सॉरी सॉरी। सुनो गजोधर, इसे कल वाली सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। जी जी मालिक। मैंने जब से मॉनिटर में तुम्हारा चेहरा देखा ना, मैं तो फिदा ही हो गई। अरे अपनी तो बात बन गई। हाँ, कुछ कहा तुमने? थैंक यू। मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारा आशिक हैंडसम हो या ना हो, बहादुर होना जरूरी है, और तुम तो हैंडसम के साथ बहादुर हो। बहुत ही क्यूट हो तुम। एक बार वापस थैंकू। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या हम किसी कॉफी शॉप में चलें? जरूर। बात क्या हुआ? अरे रास्ते तो पर्दा उठा। अच्छा ये बता, तुम दोनों की ये प्यार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ी? धीरू, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। हाय 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 हाय। अपुन धीरू, दिल का शहजादा। शहजादा? कहाँ का शहजादा? गोरेगांव की जो माड़ा कॉलोनी है ना, उसमें 16 नंबर का। मेरी काम वाली बाई और दूध वाला भी ना वहीं पर रहते हैं। अरे वो काम वाली तो दूध वाले के साथ भाग गई, उनका भी तो प्यार का मैटर था ना। धीरू, पहले होटल चले या बीच पर? होटल में फ्रेश होके बीच पे चलते हैं ना। नहीं नहीं, मतलब भूख लगी है ना, तो पहले होटल में खाना खाने के लिए चलते हैं। प्रिया, इसे होटल में जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ये बॉब कट तो कुछ ज्यादा ही डबल मीनिंग की बात कर रही है। स्वागत है आपका। अरे ये होटल जैसा क्यों नहीं लग रहा? वो क्या है ना, यहाँ पर मेरे मामा जी रहते हैं। चलो चलो अंदर। नो। अरे चल, अरे मेरे साथ चलना शहजादे। अपन की आखी फैमिली में किसी ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। क्यों? जानती हो, सन 1935 में अपन के दादा को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, और जैसे ही देश अंग्रेजों से आजाद हुआ ना, तो अपन के दद्दू को भी जेल से छुट्टी मिल गई। और उसके बाद हमारे खानदान के सारे लोगों ने कसम खाई कि आज के बाद में कोई भी हवालात में नहीं जाएगा। बस हो गया। ए मोटी, मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ क्या? ए, अब इसकी बकवास मत सुनो, उठा कर ले चलो। अरे 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 मोटी, छोड़ मेरे को। अरे क्या कर रही है, भाजीपाला कर रही है, मेरी इज्जत का क्या कर रही है? क्या बात कर रहा है? उसके बाद क्या हुआ? उसके आगे ना इंस्पेक्टर अपन की पहचान का निकला। वो बोला तुम इधर, एक फोन करते मैं तुम्हारे घर आ जाता। मैंने बोला लव मैटर है, तो उसने सीधा दो फूलों का हार ही मंगवा लिया। किसके लिए? अरे शादी करने के लिए। बात है, उन्होंने स्ट्रेट बोल दिया, पहले अपन बिजनेस करेगा, उसके बाद मैरिज बनाएगा। सही है, सही है। झूठ पे झूठ मत बोलो, सच्चाई बताओ। साले कुत्ते, लड़की को छेड़ता है। मैं तेरी सिस्टर नहीं हूँ, डाल दूँ क्या लॉकअप में? ये अपन को आइटम बना के धुलाई करवाना चाहती है। आइटम बोलता है? अरे नहीं, अरे लड़की को नहीं बोला, खुद को बोला। अरे फिर से क्यों मारने लग गई हो मैडम? अरे छोड़ो ना, बहुत लग रहा है। ये क्या है? पैरेंट लवली सिस्टर। काला थोपड़ा गोरा बना के प्रपोज मारने जा रहा था, बीच में आके सारा खेल बिगाड़ दिया। दौड़ने पड़ेंगे ना, अब ठिकाने आ जाएगी। अरे भाई लोग, फ्लैशबैक में सच्चाई कम नमक मिर्ची ज्यादा होती है। अभी सच्चाई क्या है ये तो आप उनको ही पता है ना। चल मान लिया मैंने, इतनी मार खाने के बाद तो तू उसके आसपास भी नहीं भटका होगा, है ना? मुझे भी यही लगा था, मगर ये तो मुझसे पहले कॉलेज पहुंच गया। प्रिया प्रिया प्रिया, ए पीछा क्यों कर रहे हो मेरा? तुम अपुन से लव नहीं करोगी? नहीं करूंगी। सोच लिया? सोच लिया। तो फिर तुमको ये बात डैडी को बतानी पड़ेगी प्रिया। किसके डैडी को? अपुन के डैडी को। तुम्हारे डैडी को मैं क्यों बताऊंगी? अपुन तुमसे प्यार करता है, ये बात तुम्हारे भाई को बोला ना, तो तुम मेरे डैडी को बोल दो। ठीक है अपने डैडी का नंबर बोलो। 9380062004। ओके प्रिया, ये तुम्हारा नंबर है क्या? ओके ओके
कल कहाँ मिलना है ये मुझे SMS पे बता देना। बाय बाय। बहुत मजा आया था ना। कितनी बार बोलूं सिमरन, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। देखो ये सब बोल के मुझे फुसवाओ मत। नहीं, मुझे तुम्हारी कार नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। अरे बंगले में दो कुत्ते हैं, वो भी नहीं चाहिए। आई हेट यू एंड योर डॉग्स। अरे तुमने फोन काट के फिर क्यों फोन किया? ये सब क्या है? अपनी जाने मन तो प्रिया ही है। अबे झिंगू, ये करोड़पति है तो रोडपति। करोड़पति हो या रोडपति, पति तो पति होता है ना। अगर मैंने अपने भाई को बता दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे तो हम भी ऐसे आशिक हैं जो तुम्हारे इश्क में कुर्बान होने को तैयार हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। काई को? जितनी औकात है ना उतने सपने देखा कर। क्या मतलब? तुझे पता है इसका एक दिन का कितना खर्चा है? तू कल्टी मार, सारा खर्चा बच जाएगा। ए, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। बोलता हूँ पर तेरी तरह खाता नहीं। रिया इसे जल्दी से यहाँ से दफा कर। अबे मोटी, ये देख तेरे बाल की खाल। रिया बहुत बेइज्जती कर ली इसने मेरी, मैं जा रही हूँ। रुकना रिया। बेइज्जती ठीक है पर कोल्ड ड्रिंक नहीं दूंगी। रिया आई लव यू। प्रिया नाउ यू से आई लव यू टू। ए हाथ छोड़ उसका, फूट के सपना देखना बंद कर, समझा? काई को? कहां अंगूर कहां लंगूर। क्यों, लंगूर के पास दिल नहीं होता है क्या? वो भी तो लंगूर नहीं के सपने देखता है। और जरा अपने आप को देखो, वो लंगूर भी रिजेक्ट कर देगा। भगवान ने खूबसूरत बनाया तो खूबसूरती की कदर करो, जाओ किसी से प्यार करो। हाय, आज संडे है, आज तो मुझे चैन से जीने दो। अरे लव के लिए नो संडे मंडे, एवरी डे सेम डे, आई लव यू। किसी ने देखा तूने? नहीं हो सकता, नो लव शव। काय को? क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। तुम लड़की लोग का यही प्रॉब्लम है, फैमिली लेके बैठ जाती हो। अरे फैमिली ज्यादा से ज्यादा क्या देगी? पढ़ाएगी लिखाएगी, नए कपड़े देगी, अच्छे से देखभाल करेगी। अपन तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। दिन में चढ़ गई है क्या? अरे ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जाओ वहाँ से, कूदो, जान दे दो मेरे लिए। कैसी लड़की है, सही लाइन का गलत मतलब निकालती है। अपने ऐसा थोड़ी बोला था। अच्छा, अपने ये बोला था तुम अपना लव एक्सेप्ट करो, हम शादी कर लेंगे। 6 महीने में 2 बच्चे हो, हमारा छोटा परिवार हो, वो मुझे प्यार से बोलेंगे पापा, मम्मी, पापा, बच्चा, छोटा परिवार, सुखी परिवार। शाम को मैं थक के जब घर पे आऊंगा तो तुम मुझे प्यार से गले लगा लेना और हमारे छोटे बच्चे भी प्यार से पापा पापा करते आएंगे और तुम गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से मुझे खिलाना। अब बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, फाड़ में जाओ। अरे तुम प्यार जरूर करोगी। ऐसा कैसे कह सकते हो? कॉन्फिडेंस प्रिया, कॉन्फिडेंस। हाथी की ताकत उसकी सुंड में है, इंसान की ताकत उसकी उम्मीद है। तेरे प्यार के लिए अपन कोई भी रिस्क लेगा। कोई भी रिस्क ले सकते हो? अरे चाहे आजमा के देख लो। पहले जाकर वो रिंग लेकर आओ, देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस है। जाओ। प्रिया पानी बहुत गहरा है और तैरना अपन को आता नहीं है। अगले जन्म में मिलेंगे। एक रिंग के लिए पानी में कूद गया। वो ये मजा आया क्या होया? अरे रिंग मिली या नहीं ये बताना। नहीं मिली। मुझे अच्छे से पता था कि वो रिंग नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस? सुनामी और भूकंप आने के बाद भी भगवान पर से हमारा विश्वास नहीं उठा तो तुम्हारे इन छोटे मोटे चैलेंज से मैं थोड़ी ना तुम्हें भूलने वाला हूँ। तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। कैसे कह सकते हो? बताता हूँ, मंदिर में तुमको देखते ही अपन को तुमसे लव हो गया। अपन तेरे से मिलना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से मिल नहीं पाया। फिर पूरा दिन बैठकर यही सोचता रहा कि दोबारा तुम मुझे दिखोगी या नहीं, लेकिन किस्मत देखो तुमसे बार बार मुलाकात होती रही। अब इसको तो क्या बोलेगी प्रिया, इसी को तो प्यार कहते हैं ना रे। धीरू प्यार दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफा प्यार प्यार नहीं सपना होता है। सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ जाओ। तुम जो भी कहो, तुम अपन से जरूर लव करोगी और अपन वेट करेगा। ओके, कल शाम 5 बजे तक अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी, और नहीं ढूंढ पाए तो अपनी शक्ल मत दिखाना। चलेगा, मेरा प्यार सच्चा है, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। अच्छा प्रिया, अगर उसने तुझे 5 बजे से पहले ढूंढ लिया तो क्या तू उससे शादी कर लेगी? हाँ इम्पॉसिबल, वो इस जन्म में तो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे तूने कहाँ छुपने का प्लान बनाया है? कौन है?
प्रिया नाम है इसका, दिल्ली से आई है वर्मा जी से मिलने के लिए। लेकिन उन्होंने तो अपना घर बदल लिया है। हाँ, इसीलिए तो मैं इसे वहाँ से घर ले आई। शाम 5 बजे की रिटर्न टिकट है, तब तक यहीं रहेगी। बैठो बेटा बैठो। कल शाम 5 बजे तक अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। कैसे जाओगी बेटा? ऑटो से। ऑटो से? ऑटो से सीधे दिल्ली जाओगी तो? ये जब वो पैदा हुआ था, ये 1 साल का और ये 2 साल का। मस्ती देखो। कितनी प्यारी जगह है ना ये। ए, क्या बे? सॉरी, बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को। सॉरी ना। और कितनी देर लगेगी? मंदिर जाना है ना। माँ माँ प्लीज माँ, आज पापा के साथ चले जाओ ना। तू क्यों नहीं आ रहा है? मैं किसी काम में बिजी हूँ माँ। ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा, कह रहा है आपके साथ चली जाऊं। इतना बिजी तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता कि अपनी माँ के इलाज के लिए ना जाए। तैयार हो गई तुम, चले? जी बेटा, हम मंदिर जाके आते, तुम यहीं रुको, तब तक किशन भी स्कूल से आ जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जल्दी आने की। अगर ट्रेन का वक्त हो जाए तो तुम चली जाना, ठीक है? ये धीरू का घर है? हाँ बताइए। वो सड़क हादसे में जख्मी हो गए और सिटी हॉस्पिटल में है। कैसे हुआ? भैया जल्दी चलाइए ना। एक्सेप्ट कर लूंगी। हीरू, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर भैया को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा बाबा। ओके, दोनों में से एक उंगली पकड़ो। ये तो बचपन का गेम है। प्लीज पकड़ो ना, जल्दी। तेरा भाई चाहे माने या ना माने, शादी तो अपन तेरे से ही करेगा। ये तुम्हें मिली कहाँ से? उस दिन उड़ी मारा था ना। तो मुझे उसी दिन क्यों नहीं दी? अरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था ना, इसलिए गिरवी रख दिया था। झूठे कहीं के। अरे बाबा, अपन सोचा जिस दिन तू लव एक्सेप्ट करके उसे पहना देगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या तुम मेरी रिंग को अपने पास रख लेते? अपन जानता था तू पक्का एक्सेप्ट करेगी। तुम्हें कैसे पता था? कॉन्फिडेंस प्रिया, कॉन्फिडेंस। रहने दो रहने दो। चल अच्छा है तूने प्रिया का प्यार जीत लिया, बस इसी तरह अब इसके भाई को पटाके जल्दी से शादी कर ले।
क्या हुआ प्रिया, तो इतना टेंशन में क्यों है? यहाँ बात नहीं कर सकते, चलो कहीं और चलते हैं। बोलो प्रिया क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। तो खाली पॉकेट में इतना टेंशन क्यों दिया? मैं देखना चाहती थी कि तुम टेंशन में कैसे दिखते हो। रुको, अपन एक झकास आइसक्रीम लेके आता है। मेरे लिए दो कॉर्नेटो। हेलो, यहाँ क्या कर रही हो प्रिया? कॉलेज नहीं गई? ओ, दोस्तों के साथ आई हो? हाँ वो। ओ, पर वो है कहाँ? अब वो वॉशरूम गई। मैडम आइसक्रीम। सर आप क्या लेंगे? तुम यहाँ के वेटर हो? हाँ। और तुम्हें लगता है मैं गधा हूँ? अच्छा, लड़की को मारूंगा तो दर्द तुम्हें होगा। हाँ सर। हम जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। प्रिया जिद नहीं करते। खाना नहीं खाना है। प्रिया आइंदा फोन मत करना, प्रिया मर चुकी है। मैंने यहाँ तुम्हें प्रिया से शादी करने के लिए नहीं बुलाया है, तुमसे समझौता करने के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रिया मेरी जान है। आपन भी यहाँ आपके बुलाने पे नहीं आया है। मैं भी अपनी जान को बचाने के लिए आया हूँ, और मेरी जान मेरी प्रिया है। तुम उसके लायक नहीं हो, उसको दिल और दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वो मेरी है। तुम उसके लायक नहीं हो। बिल्कुल साले साहब, अपन उसके लायक है। यह नामुमकिन है। मुमकिन है? नहीं है मुमकिन। बिल्कुल मुमकिन है। दिल करता है कि यहीं खड़े खड़े तुम्हारा गला घोट दूं। अपन तैयार है मरने को। देख मैं जानता हूँ मेरी बहन तुझसे प्यार करती है, इसी मजबूरी का तू फायदा उठा रहा है। आप जानते हो मेरे से प्यार करती है तो शादी करवा दो ना। अरे नहीं करा सकता। क्यों नहीं करवा सकते? क्यों बीच में गुंडे बन रहे हो? गुंडा? मेरी शक्ल तुझे गुंडे जैसी लगती है? तू जानता भी है मैंने उसे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है? मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो, और तू मुझे गुंडा कह रहा है? तू जैसा भुक्कड़ आवारा मवाली आदमी उसको फंसाकर हीरो कहलाएगा? मैं तो हीरो ही हूँ। शादी से पहले लड़की की पहचान उसके माँ बाप होते हैं। शादी के बाद तो हस्बैंड का सरनेम लगता है ना। शादी से पहले कविता शर्मा, शादी के बाद कविता वर्मा, शादी से पहले उमा चौबे, शादी के बाद उमा दुबे। लव में सब पॉसिबल है साले साहब, क्योंकि लव में उतनी पावर होती है। तो जैसे लड़के शादी में सिर्फ धोखा देना जानते हैं। अरे धोखा कौन दे रहा है? देखिए लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की के शादी होने तक की होती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर उस लड़की को संभालता कौन है? उस लड़की का लव। ये लव सिर्फ नाटक है। आज लव करके तुम उससे शादी करोगे, फिर शादी में दिक्कतें हुई तो भाई के घर फेंक दोगे। उस वक्त उस लव को तुम नहीं उसका भाई संभालेगा। प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती, होता है तो सिर्फ खून का रिश्ता। लेकिन अपन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। प्रिया को अपन हमेशा कलेजे से लगा कर रखेंगे। खिलाएगा कैसे? कटोरे में भीख मांग के? सर
क्या सर, क्या सर, खुद की शक्ल देखिए आने में, एक घटिया भिखमंगे लगते हो। बताओ ना यार अपन में क्या। अरे कोई एक कमी हो तो बताओ ना, कोई स्टेटस है ना हुलिया। लव के लिए बैंक में बैलेंस नहीं, दिल में प्यार होना चाहिए। तेरे की, अरे तेरे दिमाग में भेजा है या भूसा? प्यार करने निकला है, जिंदगी में प्यार का कोई मतलब नहीं, ना दो वक्त की रोटी खरीद सकते हो ना तन के लिए कपड़ा, जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। मेरी बहन को आलीशान जिंदगी जीने की आदत है, जितनी तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह है उतनी वो एक दिन में उड़ा देती है। अरे तुम झोपड़पट्टी में भी सो सकते हो, लेकिन मेरी बहन तुम्हारी तरह झोपड़पट्टी में नहीं सो सकती। मेरी बहन एक शहजादी है और उसे महलों में सोने की आदत है। तुम्हारी जितनी औकात है उससे बढ़कर हमारे घर में नौकर है। पूरी जिंदगी तो छोड़ दो, तुम उसे एक घंटा खुश नहीं रख सकते, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ, निकाल दो उसे अपने सहन से। आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। यही बात अपनी सिस्टर को क्यों नहीं समझा दिया? वो मेरी बात कहां सुनती है? तो अपन भी क्या तंबूरा सुनेगा? मेरी बहन ने अपने हाथ की नस काट ली क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया। इसके बावजूद मैंने तुम्हें बुलाया और तुम फौरन चले आए। दरअसल मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, प्लीज उसकी जिंदगी से निकल जाओ। तुम एक गरीब घर के लड़के हो, वो खुशी नहीं दे पाओगे जिसकी वो हकदार है। उसे जिंदगी की खुशी सिर्फ वही इंसान दे सकता है जिसके पास दौलत हो, शोहरत हो। ओके बॉस, अपन आपकी फीलिंग और जज्बात की कदर करता है, लेकिन सिर्फ फीलिंग और जज्बात से काम नहीं चलता है ना, कोई बीच का रास्ता निकालिए ना जिससे सबका ही भला हो जाए। मतलब सेटलमेंट बॉस, समझौता कहो कितना चाहिए? अब अपन क्या बोलेगा बॉस, आप ही कोई आंकड़ा बोल दो। 2000 रुपए। क्या कहा? 2000 रुपया? आप जोक बहुत ही अच्छा कर लेते हो साले साहब। 5 बजे का अलार्म लगा के सोना, अलार्म बजने से पहले उठकर उसे बंद कर देना ताकि कोई जाग ना जाए, डैडी के पॉकेट से कुछ पैसे निकालना, फिर बाइक पे घूमना, अगर वो रास्ते में बंद पड़ जाए तो घसीटते हुए उसे पेट्रोल पंप पे ले जाना, फिर जेब में ज्यादा पैसे ना होने की वजह से सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल डलवाना कितना मुश्किल होता है। बाप रे बाप, मंदिर में पहली बार जब आपकी बहन को देखा तभी मेरी घंटी बज गई थी। पता है उसको पटाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? लड़की को पटाना ना खर्चे का काम है। लेकिन अपन को मालूम था अपन इस पे 100 खर्च करेगा तो बदले में अपन को लाख तो मिलेगा ही, इसलिए अपन ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, सीधा आप पर अटैक कर दिया और आपके जरिए आपके सिस्टर को पटाया। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि आपकी बहन पढ़ी लिखी लड़की है, अगर अपन उसको डायरेक्ट प्रपोज करता तो वो क्या बोलती? छी, शक्ल देखिए तेरी, प्यार, वो भी तेरे से पागल हो गया क्या तू? इसलिए अपन आपके जरिए उसके दिल का राजा बन गया। ना जाने अपन का कितना खर्चा हुआ, कितना ड्रामा किया अपन, आपके हाथ से मार भी खाया, तब जाके उसने अपन को आई लव यू बोला, और आप बोलती हो कि मैं सब भूल जाऊं, वो भी 2000 रुपया। इतने पापड़ बेलने के बाद आप 2000 रुपए का चिल्लर थमा रहे हो क्या? साहब अपन को भी बड़ा हाथ मारने का है, प्यास लग गई, पीलो पीलो पानी पीलो। मेरी लव स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई थी, उसको आप दी एंड करने की सोच रहे हो? ठीक है, तुम ही बताओ कितना चाहिए। अपन क्या बोलेगा, चीज आपकी है तो दाम भी आप ही बोलो। 50 लाख ठीक रहेगा? 2.5 करोड़। 5 करोड़ और ये फाइनल है। ये दोनों नकली नोट है। अरे बावले, ये नोट मैं थोड़ी छापता हूँ, एक दो आ जाती हैं। बाकी की नोट तो असली है ना। नोट बदली करके दे दो वरना डील कैंसिल हो जाएगी। अंकल जरा 100 रुपए देना। किस लिए? ऑटो के लिए। ऑटो के लिए? अरे इतने पैसे लेके बस में थोड़ी जाऊंगा, जल्दी लाओ। सुनो, आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल ना मुझे दिखाना ना ही प्रिया से मिलना। अपन को ढेर सारा पैसा मिल गया और आपको बहन मिल गए, चलता है। उर्मिला छह।
छोटी सी पेंसिल से लिख के अपने भाई की इज्जत मत उतार। ये ले 1000 की नोट और पेंसिल खरीद ले। 1000 की नोट? ये ले और 500 रख ले। 500 किस लिए? अबे तू जब गलत लिखेगा तो उसको मिटाने के लिए रबर भी लगेगा ना। पापा, पापा भैया के पास बहुत सारा पैसा है। इतना पैसा कहाँ से आया? पापा जिस जमीन को खरीद कर पछता रहे ना, उस जमीन को अपन खरीदेगा। जरा पूछो इनसे कितना दाम है उसका। क्या बकवास कर रहा है तू? सच बोल रहा हूँ माँ, अगर झूठ लग रहा है तो देख लो। देखो बहुत पैसा है अपने पास। ये पैसा तुझे कहाँ से मिला? कहाँ से लाया बोल? जरूर चोरी की होगी। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि ये पैसा आपने कमाया, कोई झोल झपटा नहीं किया है। देख अपनी माँ की कसम खा के बता कि ये पैसा तू कहाँ से लाया है। खा मेरी कसम, बता कहाँ से लाया। नहीं नहीं, तूने जरूर कोई गलत काम किया होगा। अपन सच बोल रहे हैं। सुन, इतना पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सच बता, ये पैसा तू कहाँ से लाया, बोलना, बता मुझे। बता देना। बोलता है, आपको तो पता है एक लड़की से मैं लव करता था। उस लड़की के भाई ने अपन को बुलाया और बोला कि अपनी बहन को भूलने के लिए कितना पैसा चाहिए बोल। अपन ने भी सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, दोनों हाथों से पैसा बटोर लो। ये वही पैसा है। अरे तू पैसों के लिए एक भाई से उसकी बहन का सौदा कराया? मुझे लगा था तुझमें थोड़ी तो इंसानियत होगी। अब ये सब देखने के बाद तो लग रहा है तेरा दिल पत्थर का हो गया है। उस लड़की के बारे में तो सोचता। निकल जा, निकल, उठा तेरा पैसा और निकल यहाँ से, दफा हो। माँ, लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। तेरे लिए होता होगा, हमारे लिए कभी नहीं। माँ ये बापू की प्रॉब्लम क्या है, हमेशा डांटते हैं। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, अब तो पैसा उठा और निकल यहाँ से। पहले तो बापू अपने को निकालने के लिए तुला रहता था, अब तो तू भी ऐसा बोल रही है। ठीक है अपन जाता है। अपन ने सोचा था अपने घर से ही नया बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन नहीं होगा। अभी भी मौका है, पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग लो। चल छोड़ो, अगर सामने से मांगने में शर्म आ रही है तो फोन कर लेना। अपन का नंबर है 9380062004। टिफिन पूरा खत्म करना। प्रिया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? धीरू से मिलने जा रही हूँ। प्रिया, प्रिया, वो नहीं मिलेगा तुमसे, फिर भी जाना है तो जाओ। क्यों नहीं मिलेगा? बताओ भाभी। तुम सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। क्या बकवास है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बात है। उस धोखेबाज ने मालिक से पैसे मांगे। आपको भैया ने यहाँ भेजा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं। यकीन? प्रिया गजोधर एकदम सही कह रहा है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पैसों के लिए मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकरा सकता। सच्चा प्यार करता है मुझसे। उसने खुद मेरे साथ सौदा किया है, मुझ पे भरोसा नहीं है। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मगर उस पे तो है ना, जाओ जाके पूछ लो, सब पता चल जाएगा। नहीं प्रिया। लेकिन भैया ने खुद मुझसे कहा। झूठे हैं वो, लव को पैसे से तोल रहे थे, पैसों का रोक झाड़ के मुझसे बोले थे कि मैं तुमको भूल जाऊं। मैंने मना कर दिया। जब अपन वहां से निकला तो ऑटो के लिए 100 रुपए भी दे रहे थे, लेकिन अपने 100 रुपए भी नहीं लिए। तो तुमने कोई पैसे नहीं लिए? तेरे को भरोसा ही नहीं है? थीरू मैं तो यूं ही पूछ। प्रिया, प्रिया, तुम्हारे भाई ने अपन को विलन बनाया, कोई बात नहीं, मगर तुम भी शक करोगी तो अपन अपन रो पड़ेगा। प्रिया लव तो एक ट्री के माफिक होता है, और पैसा हवा का एक झोंका, जब हवा चलती है तो ट्री हिलता है, लेकिन वो हवा के साथ उड़ नहीं जाता। प्रिया, प्रिया ये बात तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपन अखा दुनिया के लिए बोलता है। पैसा लव को कभी नहीं खरीद सकता। तुमको भरोसा है ना अपन पे? अपनी जान से भी ज्यादा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी धीरू। मिल लिया उस चालबाज से, क्या कहा उसने? मुझे इस घर के अंदर आने में भी शर्म आ रही है। क्या क्या मतलब? सच बोला उसने। क्या कान भर दिए, हमें भी तो सुनाओ। उसने पैसे नहीं लिए हैं। है? एक नंबर का झूठा, फिर से बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें। अगर किसी ने भी धीरू के बारे में उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रिया, अरे ए, चल फोन लगा उसे, बुला उसे। हेलो, तू जा भी है यहाँ? अपॉइंटमेंट लिया गया। बस आ। अबे तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। मालिक रुक जाइए, मालिक शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अबे मजनू, तुमने इनकी बहन से पैसों की बात क्यों नहीं बताई? सर कौन से पैसे के बारे में बात कर रहे हो? अरे फिर से झूठ बोल रहा है। रुक जाइए मालिक, मैं बात कर रहा हूँ ना मालिक, आपको मुझ पे भरोसा है ना? शांत हो जाइए मजनू लाल,
तुमने इनकी बहन से प्यार किया? हाँ, किया ना। उसे भूलने के लिए क्या मांगा? पैसा। हमने तुम्हें दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया ना। हाँ तो कितना दिया? 5 करोड़। ये सच है ना? मानता हूँ ना। तो तूने झूठ क्यों कहा कि तूने पैसे नहीं लिए? मैंने ऐसा कब कहा? अरे मालिक मालिक शांत हो जाइए, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, आप शांत हो जाइए। 31 तारीख को तू टेरिस पे आया था ना? आया था। तो मालिक ने तुझे क्या कहा? मेरी बहन को भूल जाओ। उसके जवाब में तूने क्या? मैंने पैसा मांगा। तो मालिक ने कितने पैसे दिए? 5 करोड़ रुपया। पैसा लेने के बाद तूने झूठ क्यों कहा? अब उन्हें तो हकीकत बताई। कौन सी हकीकत बताई? बता मुझे, सच सच बता। तूने पैसे लिए थे और कहा था कि प्रिया को भूल जाएगा, फिर तूने मेरी बहन से झूठ क्यों कहा कि तूने पैसे नहीं लिए? वो क्या है ना साले साहब, अपुन ने आपसे जो पैसा लिया था वो आपकी बहन को भूलने के लिए लिया था। अब ये सारा मैटर उसको बताने का है तो उसका अलग चार्ज होगा ना। बोल कितना चाहिए? मेरे को क्या पूछ रहे हो, चीज आपकी है, आप ही डिसाइड कर लो। 1 करोड़ चलेगा। ये ले 100 रुपए भी रख ले। ये काई को? अरे ऑटो के। सॉरी, आपो ने नई गाड़ी खरीद ली। अब साले साहब चलता है। भाइयों को बोलो ये नहीं, वो मैं देख लूंगा, साइन तो हो जाएगा। लेकिन धीरू, प्रिया अंदर वेट कर रही है। हाँ। देखकर तो लगता है कि बहुत गुस्से में है। हाँ। हाय प्रिया। हाय। अब वो तुमने जो 1 मिनट हाँ, पूजा फिनिश कर लेता है। बोलो प्रिया। मेरे भैया ने मुझसे कहा कि तुमने उनसे पैसे लिए, पर मैंने यकीन नहीं किया। क्या प्रिया, अभी तक तुम इसी बात पे अटकी हुई हो? प्यार करती हो, थोड़ा भरोसा किया करो। मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा है। अरे पैसे लेने के टाइम तू पर्दे के पीछे खड़ी थी, अपन को मालूम था। हाँ। चल अब ये ड्रामा छोड़। अरे तू जानती नहीं है, प्राइमरी स्कूल में अपन भी बहुत बड़ा नौटंकी बाज था, खूब तालियां पड़ती थी अपन के ड्रामा पे। अरे एक्टिंग में तो मेरे आगे अच्छे अच्छे एक्टर भी पानी कम है। तो तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया? तुम्हारे भाई ने अपन को जान से मारने की धमकी दी। जरा सोच के देखो, अगर पैसा लिए बिना मैं लव की बड़ी बड़ी बातें करता, प्रिया अपन की जान है, अपन उसे भूल नहीं सकता। प्रिया से शादी करके अपन आपको साले साहब बनाना चाहता है, तो वो साला बिना सोचे समझे अपन के फोटो पे हार चढ़ाई देता। एक ही जिंदगी मिली है तो उसको हंसी खुशी जीने का छोड़ के काय को लफड़े में पड़ने का? मुझे मेरी जिंदगी जीने दे, तू अपनी जिंदगी जी ले। अपना प्यार बहुत कच्चा है यार। प्रिया अगर अपन मर गया तो तुम कितने दिन रोती? 1 महीना 2 महीना, उसके बाद क्या? तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदेश भेज देता, उसके बाद तुम क्या करती बताओ? तुम अपने इंडिया को भूल जाती। अरे जब अपने देश को भूलने में तुमको टाइम नहीं लगता, तो फिर मुझे भूलने में तुमको कितना टाइम लगता प्रिया? मुझे तुम्हारा ये लेक्चर नहीं सुनना है। अपन को दाम मिला, अपन भूल गया तो बोलो ना, और अपन क्या कर सकता था? साला ऐसी बॉडी लेके अपन लड़ भी नहीं सकता है ना। तुमने ही कहा था ना कि हमारा प्यार ट्री जैसा है और वैसा ही रहेगा। अरे प्रिया लेकिन आंधी तूफान जब आएगा तो बेचारा ट्री क्या करेगा? तो अब तुम्हारा क्या फैसला है? अरे फैसला तो हो चुका है, देख अभी अपन करोड़पति है और अच्छा खासा बिजनेस भी हो गया है, तो अपन को अब तेरी जरूरत नहीं है। अरे तेरे जैसे तो बहुत आ जाएंगे मेरे पास। जहर खाने जा रही थी। भाई ये बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पड़ेगा? मालूम नहीं साहब। अच्छा तो कम से कम MG रोड कैसे जाने का बताओ। MG रोड आगे जाके सीधा लेफ्ट मारो। आगे जाके लेफ्ट। ओके थैंक्स। क्या हुआ आशिक? चेक लेकर कब्रिस्तान में मुर्दों से पैसे विड्रॉ करने आए हो क्या? चेक पर जो बैंक एड्रेस लिखा था वो फर्जी था, तुम्हारे प्यार की तरह। आज तक तुमने डुप्लीकेट चेक के बारे में सुना था, अब डुप्लीकेट बैंक भी बन गए। अबे गधे, वो चेक कब्रिस्तान बैंक का था जहाँ तुझे दफनाना है।
तुमने फरेब के जरिए मुझसे पैसे लूटने चाहे, इसीलिए मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कुछ और भी चाहिए तो बता दो, वो फरमाइश भी हम पूरी कर देंगे तुम्हारी। आपसे तो सिर्फ 5 करोड़ लिए, मुझसे पूरे 200 लिए। पता है उस दिन मैं 10 किलोमीटर चल के गया। चालबाज, तूने सोचा तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? ए, हम पैदाइशी ब्लैकमेलर हैं। जिस प्रॉब्लम को तुम ठीक करने में उस्ताद हो, उस प्रॉब्लम को पैदा करने के उस्ताद हम हैं। अरे चूहा, बिल्ली, नेवला, सांप, कुत्ता, जो पालना है पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालना वरना यहीं गाड़ दिया जाओगे। याद रखना, मैं अपनी बहन की वजह से चुप हूं, वरना अपनी औकात में आ गया तो किसी भी हद तक जा सकता हूं। खुशी की बात यह है कि हमारी कंपनी का मुनाफा 200% बढ़ गया है। Let's celebrate। मालिक, किसी अच्छे से होटल में फोन है। Excuse me। बोलिए सर। अरे साला, मैं तो साहब बन गया। साहब बन के ऐसा कौन है मालिक? कौन बोल रहे हैं? भूल गए? अरे यार धीरू। अरे तुझसे कहा था ना कि मुझे फोन मत करना, गधे के बच्चे। I'm sorry, आप लोगों के लिए नहीं, excuse me। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है साले साहब। अपन भी एकदम धासु गाली दे सकता है आपको, जिसको सुनने के बाद ना पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा आपका। स्लो मोशन में, समझे? थोड़ा तमीज से बात करने का। तू मुझे तमीज सिखाएगा? अरे अपन के पास आपकी सिस्टर का कुछ हॉट शॉट फोटो है साले साहब, एकदम हॉट चिक लग रही है। कितना चाहिए? जो अमाउंट आपने चेक पे डाला था उसका डबल, यानी 2 करोड़। तुझे तो मैं, अरे साले साहब, आपकी सिस्टर धीरू के प्यार में पड़ी है, आपका गुरूर तो टूट जाएगा। अगर ये फोटोज नेट पे चले गए तो सोचा आपकी इज्जत का क्या होगा? अबे तेरी तो मैं, तब तो आपकी बहन के हाथ पीले करने के लिए कोई टपोरी भी नहीं मिलेगा। बता कहाँ मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बट कैश, आई डोंट ट्रस्ट योर चेक। साले साहब, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? एक ही घंटा तो हुआ है। क्या करे, सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है ना, तो लेट होता है। बस क्या साले साहब, बंदर का नाच नचाने वाला मदर ही समझ कर रखा है क्या अपन को? मानता हूँ कि आप उनके पास आपके इतना दिमाग नहीं है, लेकिन इतना तो समझता है कि सामने वाले से काम कैसे निकालने का। आप नकली चेक दे के शमशान का एड्रेस छाप के बोलोगे कि ये चेक बैंक ऑफ बड़ौदा का है। जरा सोचो, अगर ये चेक आपने कोर्ट में दिखा दिया तो कोर्ट आपको कितना बड़ा जुर्माना लगाएगा, कितने साल की जेल ठोकेगा, पता है? साले साहब, पहले आप प्रॉब्लम को समझा करो। प्रॉब्लम को समझोगे नहीं तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? भेजे में घुस रहा है ना। ए, वो फोटो कहां पर है? पैसा किधर है? पूरा है, गिन के तसल्ली कर ले। गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आप अपनी सिस्टर के मामले में कोई रिस्क नहीं लोगे। फोटोज और नेगेटिव्स देखना मत, शर्म आएगी। चलो क्या? बस बहुत हुआ। मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरा भेजा उड़ा सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। इन पैसों को यही रख, वो गाड़ी यहीं पर छोड़ और चुपचाप पतली गली से निकल ले। चल दफाओ। एक गोली मार दीजिए, नहीं तो ये फिर से हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। आप ये कमीना बंदी करोगे, अपन पहले से जानता था, इसलिए आपने कमिश्नर ऑफिस में पहले ही कंप्लेंट डाल दिया। अगर अपन की बॉडी पे एक भी जगह खरोच आई ना, तो पुलिस आपको इतनी जगह खुरीद दे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बोला रे? तू टेंशन मत ले रे, तेरा नाम भी मैंने एसी में लिखवा दिया। पर मैंने किया क्या है मालिक? छोटा मुंह बड़ी बात, अगर इसे टपका दिया तो हम भी इसके साथ दफन हो जाएंगे। कंप्लेंट डुप्लीकेट कॉपी। अच्छा साले साहब, गुंडागर्दी में आप पहली बार कदम रख रहे हो, लेकिन आप तो पैदाइशी गुंडा है, समझ गए ना? पहले पे टहला मार के गया। आज की ताजा खबर, लड़की के आशिक ने साले को चूना लगाया। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में छपा है, अब तो दुनिया को पता चल जाएगा। वंदे राजा वरुणो द्रुवंदे जो बृहस्पति है, ध्रुवंत इंद्रश्चरश्चंदारयता ध्रुवं। बेटा यहाँ आओ और इस ईंट को उठाकर इसकी स्थापना करो।
ये लो, अब इस ईंट पर चावल चढ़ाओ। इस तरफ फैक्ट्री की बाउंड्री रहेगी। हाँ, वहां से। यहाँ की जमीन तो अच्छी है। ये लीजिए, मुबारक। वही आयल लगी है। अच्छा, कल मशीनरी ठीक तो? हाँ, सब ठीक चल रहा है साहब, सब ठीक चल रहा है। अरे नितेश, कैसे माल आया कि नहीं? माल का सारा माल मंगवा लेना। हाँ, हो गया। सब क्लियर है? हाँ जी। ये देखो, ये इधर गोडाउन बनेगा। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, हो जाएगा। हाँ, ओके ओके, हाँ डील फाइनल कर दो। लाइन का फोन है। ओके, एक मिनट। तो यहाँ से टंकी कहाँ रहेगी? उस तरफ रहेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझे नहीं, पहले सुन लो क्या बोल रहा हूँ। पीछे जगह है ना? अच्छा, हाँ तो माल निकाल लो, ये जगह बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू। आप देख रहे हैं दोपहर की बुलेटिन। आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर धीरू से, जो कि इस शहर के सबसे बड़े और डैशिंग बिजनेसमैन हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। हेलो मिस्टर धीरू। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक है ठीक है। तो हमें बताइए मिस्टर धीरू, आप ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हैं, तो आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है? वैसे तो सारे लोग ऑलराउंड दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन मैं ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ। मैं बचपन से टॉप क्लास बिजनेसमैन बनना चाहता था। और आप इतने कम समय में इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, आपका सीक्रेट क्या है? लोग जब बिजनेस करते हैं तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने आम लोगों की प्रॉफिट के लिए बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस करने के लिए मेहनत और लगन की बहुत जरूरत है। सर, आजकल के नौजवान जो आपको अपना आइडल मानते हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ टिप्स दे दीजिए? मैं बोलना ही चाहता था। अच्छा, वो आपने पूछ लिया। जरूर कहिए ना। जब भी बिजनेस करो तो हमेशा अपनी मेहनत से करो। जरा खुल के बोलिए सर। खुद के पैसे लगाओ, कभी किसी से पैसा उधार मत लो। दिवाली मुबारक हो। हैप्पी दिवाली। थैंक यू धीरू। तू किस लिए थैंक्स बोल रहा है यार? यार आज मैं बहुत खुश हूँ धीरू। पिछले साल हम जिन चीजों के लिए तरसते थे, वो सारी चीजें आज हमने सब में बांटी। अच्छा, अब चलता हूँ, और भूलना मत कल तुझे मेरे घर पर आना है। ओके, चलो चलो, बाय। कल मेरे घर में भी पूजा है, तुझे आना होगा। देख, बहाना मत बनाना। अरे मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। चल ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ बेटा। बाय। इरु, आए। आओ ना माँ, ये लो। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ माँ। बेटा, तुम लोगों की कामयाबी देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे मन को बहुत शांति मिली है। बेटा, दिवाली का मौका है, घर जरूर आना। जरूर आऊंगा। इरु, चल जाऊं। नमस्ते। ये क्या बेटा, लड़कियों की तरह फुलझड़ी जला रहे हो? ये लो बम जलाओ। हाँ ठीक है, पर थोड़ा दूर से। हेलो, हाय किशन, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। हाय आंटी, कैसी हो? बम यहाँ है। एक अनार भी नहीं जला पा रहा है तू? नहीं नहीं, मैं नहीं डरता, ये देखो। माँ अनार जलाओ ना माँ। अरे चलो, माँ क्यों डर रही हो, जलाओ ना। मैं हूँ, चलो साथ में। अरे पापा क्या कर रहे हो, जल्दी करो पापा। हूँ ना साथ में, तुम्हें जलाओ ना पापा, बोलो जीत जाएंगे, जल्दी जल्दी जाओ पापा, जल्दी बोलो जीत जाएंगे। हट जाओ हट जाओ। मैं नहीं जीता तो कोई नहीं जीतेगा।
ये लो, खोलो इसे। एक एक करके जलाना ठीक से। ये ले बेटा, संभल कर जलाना। हाँ ए जी, माँ धीरू को देख के अंदर क्यों आ गए? अगर थोड़ी देर और बाहर रहता ना मैं, तो उसे अंदर लाने से खुद को रोक नहीं पाता, इसीलिए चला आया। अब सुनिए जी, दिवाली के दिन बेटा घर आया है, एक बार हम उससे मिल ले क्या? मिल लो, मगर वो कुछ लाया हो तो मत लेना। माँ भैया चला गया। ये देखो माँ, भैया ने नए कपड़े दिए। पता है भैया आपको और पापा को बहुत याद कर रहे थे। ये देखिए, भैया ने आपके लिए कंगन लाए हैं। मालिक सुनाए झील के पास एक जमीन नीलाम होने वाली है। मिनरल वाटर के प्लांट के लिए ये जमीन बिल्कुल सही रहेगी। वो पूरा एरिया मीठे पानी से भरा है। तो खरीद लेते हैं। चलो खरीद तो सकते हैं, लेकिन उस जमीन पर कई लोगों की नजर है मालिक। बोली में कौन कौन आएगा? सर रहेजा, आर्यन ब्रदर्स और लोधा, सारी कंपनी जा रही है सर। हमारी कंपनी का नाम सुनते ही कोई भी बोली पे नहीं आएगा। मालिक आपका नाम सुन के सब रफू चक्कर हो गए, लगता कोई आएगा नहीं, जमीन हमारी है। नमस्ते गजोधर जी। नमस्ते। सब ठीक ठाक है ना? ज्यादा पगार चाहिए तो मेरे पास आ जाना। आप देख रहे हो मालिक, ये हम दोनों के बीच में दरार डाल रहा है, बहुत चालबाज है ये। अबे मेरे को नौकरी से निकलवाएगा ये। जनाब जगमोहन बाबू ने 8 एकड़ की जमीन खरीदी, जिसके लिए उन्होंने कर्जा लिया, पर कर्जा ना चुकाने की वजह से आज जमीन नीलाम की जा रही है। नीलामी में जिसकी बोली सबसे ऊपर होगी ये जमीन उसी के नाम की जाएगी। मालिक का 25 लाख, 60 लाख, 75 लाख, 2 करोड़, फुल एंड फाइनल। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3। चलता हूँ गजोधर जी। माना कि 40 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदी, पर मैं जीत तो गया ना। मैं तेरे सामने कभी नहीं हार सकता, इस जन्म में तो कभी नहीं। ओ अच्छा साले साहब, जो आदमी बस की टिकट बस में ही ब्लैक कर रहा हो, तो जरा सोचो वो बिजनेस करने में कितना तेज होगा। उसी चीज में हाथ डालना चाहिए जिसमें दुगना फायदा हो। अबे तेरे बोलने का मतलब क्या घोचू? मैं यहाँ बोली लगाने नहीं आया था। ओ? मुझे उस जमीन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो तो मेरे घर में कोई अक्लमंद है नहीं ना, इसलिए मैं चला आया। वो आदमी जो साइन कर रहा है ना, वो और कोई नहीं है साले साहब, अपन का प्यारा बापू है। मतलब तूने हमें 2 करोड़ का चूना लगा दिया? गजोधर हाँ। अपन के बापू ने वो जमीन बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करे साला, बिकी ही नहीं। तो अपन ने आइडिया लगाया और मार्केट में रूमर फैला दिया कि वो जमीन मीठे पानी वाली है। लेकिन आपको भी अक्ल नहीं है क्या?
नीलामी में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, ये देख के भी आपकी बत्ती नहीं जली। कसम से आपने मुझे तो करोड़पति बना दिया, लेकिन मेरे बाप को भी करोड़पति बना दिया। बहुत एहसान है आपका हम पे। अब पता नहीं मैं एहसान उतारूंगा कैसे। चलो अब जो होना था वो हो गया, सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता। हे, चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, धीरू जी से बात हो सकती है क्या? आज मुझे कैसे याद किया? क्या बात है, मेरी आवाज पहचान ली? क्या बात कर रहे हो साले साहब, मैं तो आपकी हर हरकत को पहचानता हूँ, तभी तो आपके टक्कर का बिजनेसमैन बनूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। कुछ समझा नहीं। चलो मान लिया कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, लेकिन बड़े बिजनेसमैन के पास प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती हैं। देखते हैं तुम सुलझाते कैसे हो। क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे सकती है। क्या सोच रहे हो, अब जो होने वाला है उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुमने मेरा गुस्सा देख लिया, मेरी स्टाइल देख ली, लेकिन तुमने अभी तक मेरा खेल नहीं देखा। इसे कहते हैं मेरा खेल, और इसका नाम है नेले पे दहला। जरा अपनी दाई तरफ देखिए। We are from the Income Tax Department. हमारे पास यहाँ का सर्च वारंट है। हेलो साले साहब, मैं धीरू बोल रहा हूँ साले साहब। अब क्या हो गया? इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है। अरे बाप रे, लगता है उन लोगों की बातें सुनके तुम्हारी हवा निकल गई। जनाब, हमने इस ऑफिस का कोना कोना छान मारा, पर आपके कंपनी के सारे बिजनेस जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक्सपोर्ट्स, सारे अकाउंट्स क्लियर है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाया कि आपके बिजनेस की फंडिंग कहाँ से हुई, कहाँ से इतना पैसा आया। आपने तो किसी तरह का बैंक लोन भी नहीं लिया है, तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? जनाब बताइए। Say something, sir. कहां से आया पैसा? कुछ तो बोलिए। Where is the proof? जवाब दीजिए। इसका जवाब तो मेरे बॉस देंगे। कौन है आपके बॉस? बॉस ईमानदार, मेहनती और वफादार। hey. साले साहब, आपने जो गुगली बॉल फेंका था, उस गुगली पर हीरो ने सिक्स मारा है। क्या कहा था आपने? ये आप शतरंज के पुराने खिलाड़ी हो। आपके घोड़े को मेरे हाथी ने मात दे दी। कहाँ मुंडे को बोला था? दाहिने मुंडे को बोला था। अब आप अपने भाई ने मुड़ के देखो। मिस्टर धीरू का कहना है कि उनके बिजनेस की फंडिंग आपने की थी, यानी कि वो आप ही का बिजनेस है। क्या सच कह रहा हूं मैं? देखिए, मैं उसे जानता नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसका। वो आपके नाम से कंपनी चला रहा है, हमने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। और आप तो मेरे नाम से जो भी धंधा करेगा उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ क्या? हमने खुद देखा है, उनकी ऑफिस में आपकी फोटो है। अरे चाय की टपरी में हीरो हीरोइंस के फोटो लगते हैं, तो क्या चाय की टपरी उनकी हो गई? कैसी बातें करते आप, दिमाग खराब कर दिया। हम वहाँ पे रेड करने वाले हैं, क्या इस बात की खबर आपने दी थी? हम क्यों देंगे? तो हमारे यहाँ आने की खबर क्या मिस्टर धीरू ने आपको दी थी? ये सब आप क्या कह रहे हैं? फोन देंगे प्लीज? आपके फोन में बैलेंस नहीं है क्या? व्हाट नॉनसेंस, आप अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक डील हुई थी। मालिक नहीं बताता हूँ, नाराज मत होइए। कैसी डील बताइए मुझे। सर, ये एक निजी मामला है, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो निजी मामला है तो जवाब दीजिए, आपने उन्हें बिजनेस के लिए पैसे क्यों दिए? हाँ सर। नहीं सर, वो एक मजबूरी थी। आपकी बातें अलग, आपकी अलग। हाँ सर, और कोई रास्ता ही नहीं था। किस बिजनेस में लिया? जवाब दीजिए। अब मैं क्या? इनके कागजात चेक कीजिए सर। पैसे कहाँ से आए बताइए सर। क्या आपने उस पर टैक्स चुकाया था? क्या राज है, बोलिए। प्लीज टेल मी सर, क्या आपने पैसे दिए थे? आप जवाब क्यों नहीं देते? 7 करोड़ दिए थे उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए,
तो उसका टैक्स कौन देगा? हाँ हाँ मैं दूंगा, और कौन देगा भाई, मैं दूंगा, खुश। ओके तब तो कोई मामला नहीं बनता। ओके प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ ठीक है, जाइए। हाँ जाइए जाइए जी, सारा पैसा देके मामला रफा दफा। क्या मालिक, टैक्स की बात निकली तो फटाफट भर दो, मेरी पगार तो आप 3 महीने बाद देते हो। अब पागल हो गया क्या? भर दूंगा, माफ कीजिए, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। पता नहीं मैं कितने दिनों से कॉलेज बंक करके तुम्हारे साथ घूम रही हूँ। अरे बिना कॉलेज गए भी देख अपुन कितना स्मार्ट है, पढ़ लिख के क्या डॉक्टर बनेगी तू? ठीक है अब मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। एक मिनट आ जानू। ये क्या है? अरे बारिश टपकेगी तो भीग जाएगी ना इसलिए। मजाक मत करो, इतनी तेज धूप में बरसात कहाँ से आएगी, कोई चांस ही नहीं है। होगी? नहीं होगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कैसे पता था कि बारिश होगी? जानता था। बताओ ना धीरू, कल रात को समाचार पे देखा। आज बारिश होगी? नहीं तुम गले मिलोगी। लव यू। सर इसका नाम नरेश कुमार है, अमेरिका में डॉक्टर है, महीने की 4 लाख सैलरी पाता है। इस जन्म में तो कभी नहीं। ठीक है सर, तो ये देखिए 8 लाख पाता है। देखो मेरी एक ही बहन है, उसके लिए कोई ऐसा लड़का बताओ जो यहाँ रहता हो, इंडिया में, फॉरेन में नहीं। हाँ है ना, यही इंडिया में रहता है, ये देखिए उभरता सितारा है सर, ये आपकी बहन के लिए बिल्कुल सही है। क्या सोच रहे हैं सर? हाँ कह दीजिए, आपकी इकलौती बहन राज करेगी राज। हजारों नौकर चाकर हैं, कई सौ गाड़ियां हैं। मालिक के पैसों से ये बना है। मिनरल वाटर का धंधा है, पैसा छप्पर फाड़ के आता है। चुप, इस लड़के को भूल जाओ, मुझे कहीं का कोई भी लड़का चलेगा, उस अमेरिका वाले डॉक्टर को फाइनल करो। ओए चचुंदर, बेटी की शादी होने वाली है एक अमेरिकन लड़के से, महीना 4 लाख कमाता है और कुछ सालों में वहीं सेटल होने वाला है। बेटी राज करेगी राज, अगले महीने ही शादी है। बधाई हो। है? मालिक को तो बधाई दे रहा है। ए सुन मेरी बात, मेरी बहन की शादी हो जाने दे, फिर सारी हेकड़ी निकालूंगा। पहले शादी हो रही है कि नहीं वो तो देखो। चैलेंज कर रहा है। अब लगेगा। What? झटक का। प्रिया। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। मेरी बहन के लिए रिश्ता फाइनल हो गया और लड़का अमेरिका से है। ये देख। भैया। क्या हुआ बेटा? जब मैंने उसका प्यार एक्सेप्ट किया, उसी दिन हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। प्रिया, साइन करो प्रिया। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? प्रिया, हमारी शादी के बारे में फिलहाल किसी को बताना मत। मगर क्यों? तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई हमारे प्यार के खिलाफ है, इसलिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। वादा करो, कसम खाओ इनकी। तुम्हारा भाई मुझे पसंद करे या ना करे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कसम खाती हूँ, उसने मुझे आपकी कसम दी थी, इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। बोल देती तो मर नहीं जाता। मालिक मैं पैसों का इंतजाम शुरू करूं? अब पैसा किस लिए चाहिए? डिवोर्स के लिए। भूलने के लिए इतना पैसा मांगा तो डिवोर्स के लिए कितना मांगेगा? कॉल करो उसे। जो नंबर आपने डायल किया है वो नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। एक बार कहा ना गधे कि धीरू का नंबर स्विच ऑफ है, तो फिर बार बार डायल करके क्यों परेशान कर रहे हो? मालिक अजीब बात है, ये फोन कंपनी वाले मुझे गालियां बक रहे हैं। उसका ऑफिस ऐसी रोड पे। सर आपको कपड़े उतारने होंगे। किस लिए? अंदर कुछ तो बज रहा है। घोचू मेरा नहीं तेरा बज रहा है। hey, जीरू कहाँ है? अरे कहाँ है तेरा बॉस? ढूंढो उसे, यही कहीं होगा। अरे
अबे उठ, ए उठना। क्या गजोदर चकाचक है? अबे फटीचर, लोगों को बिजली नसीब नहीं होती और तू यहाँ पे ये सुखा रहा है। देख इस पंखे का और तेरा क्या हाल बनाता हूँ। हे अभी तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। साले साहब, क्या हुआ? क्या हुआ साले साहब, बोलो ना। ए, 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 मैंने कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना, फिर भी तूने उससे शादी कर ली। अरे हम दोनों दो जिसमें एक जान है, इसलिए शादी कर ली। मेरी बात सुन, तू बच गया क्योंकि प्रिया ने मना किया था। अगले हफ्ते उसकी शादी है, मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, और इस पे साइन करो जिसमें लिखा है कि तुम प्रिया को अपनी मर्जी से भूल रहे हो। नहीं करूंगा मैं। साइन तो तेरा बाप भी करेगा। बोला ना नहीं करूंगा। चुपचाप साइन कर। नहीं करूंगा, बोला ना मैंने। साइन कर, जल्दी कर, सुनाई नहीं दे रहा क्या? साइन कर। मैरिज सर्टिफिकेट। प्रिया एक बात बता मुझे, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है? यहां तक कि मैंने शादी भी उसी से की जो तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रख सके। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें पलकों पे बिठा के रखा है, तो फिर अपने भाई का ख्याल क्यों नहीं करती? मैंने आज तक मालिक को गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ। आज इन्होंने बेइज्जती सही है, मैं इसका गवाह हूं। जिस भाई ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, कभी तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी, क्या तुम इनकी इतनी सी बात नहीं मान सकती? ये फैसला मेरा नहीं है, ये उस लड़के का है। उसने खुद तुम्हें डिवोर्स दिया। ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट, और ये रहे उसके खुद के साइन किए हुए तलाक के कागजात। बोल रही हूँ। प्रिया, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। प्रिया, लेकिन सुनो तो सही। क्या सुनो? अब कुछ नहीं बचा है। मैं पूरा दिन रोती रही, इसलिए नहीं कि मैंने प्यार किया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। सुनो प्रिया, मुझे लगता था कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, पर तुमने तो मेरे प्यार का गला ही घोट दिया, डाइवोर्स पेपर भेज दिए। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। मुझे भी रिश्ता नहीं रखना, मैं अपने भाई की पसंद से शादी करूंगी। कम से कम एक महीना लगेगा। नहीं चलेगा बेटू, एक हफ्ते में बंगला रेडी होना चाहिए, अपन को कोई बहाना नहीं मंगा। कोशिश करता हूँ सर। 24 घंटा काम करो, समझ गया ना? जी सर। चलो अच्छा हुआ प्रिया शादी के लिए राजी हो गई, पर मुझे अभी भी धीरू पर भरोसा नहीं है। गजोधर, रजिस्ट्रार ऑफिस से ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट निकालो। ओके। यहाँ पर प्रिया और धीरू के नाम से तो कोई भी नहीं दिख रहा है। यहाँ 24 फरवरी को तो किसी की भी शादी नहीं हुई, थी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने खुद शादी की थी। इसे ले जाकर चूल्हे में डाल दे। अबे इस पे गोरेगांव वाले पंडू किराने वाले का ठप्पा लगा है। एक नंबर का चालबाज है, पंडू किराने वाला गोरेगांव। मालिक मालिक, वो सर्टिफिकेट बिल्कुल नकली है। क्या? उसमें किराने वाले की दुकान का ठप्पा है। किराने वाले का ठप्पा? किराने वाला मतलब बनिए की दुकान, जनरल स्टोर पे रहने वाला। भड़कीगा बाद में, क्या करना है ये बताइए। उसने मुझे फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट दिया। वो लड़का कुछ भी कर सकता है। पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, दिल करता है उसका मर्डर कर दूं। नहीं मालिक, गोली मार दूंगा, भले जेल क्यों ना जाना पड़े। वो अब बच नहीं सकता, प्रिया की शादी के पहले उसे मार दो। मालिक, नहीं मार दो उसे, चाहे कुछ भी हो जाए मार दो उसे, छोड़ना नहीं उसे। ओम शिवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः। गाड़ी घुमा, जल्दी गाड़ी घुमा।
अरे नमस्कार। ओ नमस्कार, चलिए बैठो। रुक जा, नहीं तो काट डालूंगा। सुना है ये इकलौती बहन है, हाथ से एक ही ब्लाड नहीं होगी। तो उधर देखो, वहाँ पे सब ठीक से खा रहे हैं। तुम लोग घूमने गए थे ना? अरे वो नहीं बाबा, मैंने बोला था ना तुमको। हाँ बिल्कुल, वैसे दफा हो जाओ यहाँ से। अरे दफा हो, आप मेरी बात तो सुनिए। निकलो यहाँ से, सुनिए तो सही, सुनिए। अरे कहाँ निकलो, नहीं तो आपके आदमियों की मैं धुलाई करके आया हूँ, आप पर भी मेरा हाथ उठ सकता है। सुन, तुझे बर्दाश्त करने की मेरी हद खत्म हो चुकी है। आज यह शादी हर कीमत पर यहाँ होगी। मैं यह शादी होने नहीं दूंगा सर।
याद है तुझे? प्रिया की जिंदगी से निकलने के लिए तूने जितने पैसे मांगे मैंने दिए, अब और क्या चाहिए? मैंने आपसे पैसा प्रिया को छोड़ने के लिए नहीं लिया, बल्कि उसे हासिल करने के लिए लिया था। याद कीजिए आपने क्या कहा था, मेरी बहन से शादी करने के लिए उसके पास कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, उसके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। नाउ आई एम मोर सक्सेसफुल देन यू। हे, सारी चीजें तूने अपने फायदे के लिए लिया तो फिर मैं क्या करता बताइए? पहले बाप ने और उसके बाद माँ ने भी धुतकार दिया मुझे, उसके बाद प्रिया भी तो यही करती ना मेरे साथ। लाइफ में सिर्फ प्यार करने से तो पेट नहीं भर सकता ना, इसीलिए मुझे आपको लूटना पड़ा सर। जब अपुन ने आपको पहली बार देखा था ना, तो अपुन फैन बन गया था आपका, आइडल मानने लगा आपको। अखा लाइफ में आपने कितनी मेहनत किया, कितना पसीना बहाया, तब जाके आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता था, लेकिन अपुन जैसे रोडचा फर्नीचर को पैसा देने के लिए भला कौन आ गया था? बिजनेस करने के लिए अपन के बाप ने पैसा नहीं दिया तो बैंक आई को लोन देती, न जाने कितने लोगों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक इंसान ने भी मेरी मदद नहीं की। मैंने भी सब छोड़ दिया, उसके बाद प्रिया मेरी जिंदगी में आई। आपको परवाह नहीं थी कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये परवाह भी नहीं थी कि मैं आपकी सिस्टर का ख्याल रख सकता हूँ कि नहीं। बस लड़का लाइफ में सेटल होना चाहिए। हर लड़की वाले सिर्फ सेटल लोगों से ही शादी बनाने लग गए तो किसी की भी शादी जवानी में नहीं होगी सर, सब बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ा बुढ़ी पार्क में घूमने लायक बचेंगे, एंजॉयमेंट तो मिलेंगी ही नहीं। खुद के सपनों का गला तो घोट दिया, लेकिन प्रिया के लिए मैंने कसम खाई कि अपुन भी आपकी तरह अमीर आदमी बनेगा। आज अपुन इतना कमाता है कि आपकी बहन जो एक महीने में उड़ा देती वो एक दिन में उड़ा सकती है। अपुन भी प्रिया को खुश देखना चाहता है सर। अपन खानदानी रईस तो नहीं है, लेकिन अपुन का प्यार ही अपनी सच्ची दौलत है सर। अपना प्यार पाने के लिए अपुन ने आपसे पैसा लिया था। मानता है कि अपना तरीका गलत है, पर प्यार सच्चा है। आज अपुन आपका पैसा लौटाने आया है सर। ये लीजिए सर आपका पैसा, और मेरा प्यार मुझे लौटा दो। जाने अनजाने में अपुन से जो भी गलती हुई उसके लिए माफ कर दो, और मेरे को अपना लो सर। प्रिया के वास्ते अपुन ने घर बनाया सर, बिल्कुल आपके घर जैसा घर, ताकि उसे कभी मायके की याद ना आए। प्रिया उसमें बहुत खुश रहेगी सर। मैं अच्छे से जानता हूँ सर कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे लिए प्रिया की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है सर। अगर आपको अभी अपन पे भरोसा नहीं है तो मैं ओरिजिनल डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ सर, आगे आपकी मर्जी। रुक जा। हाँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, ना तेरी शक्ल ना तेरी पर्सनालिटी, पर हाँ तेरे बिजनेस करने का स्टाइल अच्छा लगा। तू चाहता तो प्रिया को भगा ले जाता जिस दिन उससे शादी की, लेकिन तूने मेरी और मेरी बहन की इज्जत रख ली, और तेरी यही बात मेरे दिल को छू गई। अगर तेरी जगह कोई और होता तो इस सारी दौलत को रातों रात अय्याशी में उड़ा देता, पर तूने मेरी सोच से परे कुछ ऐसा किया जो वाकई में मुझे अच्छा लगा। अपने सच्चे मोहब्बत की खातिर मुझे यकीन हो गया कि तुम प्रिया का ख्याल अच्छे से रखोगे, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मेरे भाई ने तो माफ कर दिया, पर मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? जब चाहे अपना लिया, जब चाहे छोड़ दिया। प्यार कोई गिरवी रखने की चीज नहीं होती। प्रिया, अपुन ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए तो किया। क्या मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा? कार मांगी, बंगला मांगा? मैंने बस तुमसे प्यार किया, तुम्हारे दिल में जगह मांगी थी। दिल में तो बहुत जगह है प्रिया, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हें कहाँ रखता? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब क्यों किया? ताकि तुम दुनिया की हर खुशी पा सको। मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी में मैंने जितनी ठोकरें खाई है उतनी ठोकरें तुम भी खाओ। प्रिया, अब तो भैया भी शादी के लिए मान गए। जो भी हो, तुमने मेरा दिल दुखाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, माफ कर दो मुझे। मैं ही जानती हूँ कि मैंने तुम्हें कितना चाहा है, पर अब मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। तुम जो भी कह रही हो वो गुस्से में कह रही हो प्रिया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम सच में मुझे अपनाना नहीं चाहती तो जाओ उससे शादी कर लो। मेरे इतना बदकिस्मत कौन होगा जो अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखेगा? जाओ कर लो शादी।
प्रिया। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, स्वाहा। अक्षत आहुति समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं रजन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिनीध्यानगम्यं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। आपका भी कोई भाई है? नहीं तो? अपन का नाम धीरू, एकदम कंवारा। मैं शादीशुदा हूँ। अरे चलेगा, ओके। मेरे सामने दूसरे लड़की को लाइन मार दिया। प्रिया क्यों मार रही हो मुझे? क्या समझा खुद को? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? शादी करो ना। नहीं रखती तुमसे प्यार। दूल्हा बैठ कर रहा है। नफरत करती हूँ मैं। चले जाओ। मैं तो जा ही रहा था। पैसा दो साली साहब। पर क्यों? अभी तो तू बड़े बड़े भाषण दे रहा था, अब क्या हुआ? फिर से मालिक की जेब काटेगा? अबे गजोधर, तू साली साहब, अपन को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस खाली 1 रुपया चाहिए। 1 रुपया? पर आखिर क्यों चाहिए 1 रुपया? मैं बताता हूँ, मालिक ये शगुन के पैसे मांग रहा है। इसी बात पर शगुन देकर आप दूल्हा फिक्स कर दो। ये लीजिए। ये लो। इस एक का अपन 100 करके दिखाएगा। कैसे? कॉन्फिडेंस बॉस, कॉन्फिडेंस।